आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा, पृथ्वी के करीब आएगा चंद्रमा, 1000 साल में एक बार होता है ऐसा। शनिवार की रात यानी कि 21 जनवरी की रात आसमान में बेहद अद्भुत संयोग होने जा रहा है। दरअसल ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में दिलचस्पी रखने वालों के लिए कुछ ऐसा होने वाला है जिसका वो कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल आज की रात 1000 साल में पहली बार ऐसा होगा जब चंद्रमा धरती के सबसे करीब होगा। आपको बता दें कि आज धरती से चंद्रमा कुल 356,568 किलोमीटर की दूरी पर होगा, लेकिन जानकारों का ऐसा मानना है कि इस अद्भुत दृश्य को हम देख नहीं पाएंगे। तो आइए आपको बताते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल शनिवार को अमावस्या की रात है, इस वजह से चांद का चमकदार हिस्सा धरती के दूसरी ओर होगा यानी न्यू मून, जिसमें चंद्रमा अपने चक्र के पहले चरण में होगा। भले ही चंद्रमा इस शनिवार को हमारे ग्रह के निकटतम बिंदु पर होगा, लेकिन न्यू मून के साथ ओवरलैप होगी, जिस कारण धरती से ये नजारा अदृश्य रहेगा। ऐसा ऐतिहासिक ब्रह्मांडीय घटना के दौरान अंतरिक्ष में हमारा चंद्रमा हमारे लिए पूरी तरह से अदृश्य रहेगा। गौर हो कि शनिवार को अमावस्या के दिन वर्ष 992 के बाद से चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होगा। इसके ठीक एक दिन बाद चंद्रमा के करीब शुक्र और शनि का संयोग होगा। दूसरे दिन अमावस्या खत्म होने पर चंद्रमा को हम देख सकेंगे। बता दें कि अमावस्या तब होती है जब सूर्य और चंद्रमा एक ही आकाशीय देशांतर शेयर करते हैं। इस स्थिति को संयोजन भी कहा जाता है। नए चरण के दौरान कोई भी चंद्रमा को पृथ्वी से नहीं देख सकता, क्योंकि प्रकाश करने वाला साइड हमारी धरती से दूर हो रहा होता है। इस महीने का अमावस्या भी एक उपभू यानी सुपर मून के साथ मेल खाता है, जिसमें पूर्णिमा थोड़ी बड़ी दिखाई देती है क्योंकि ये अपनी कक्षा में निकटतम बिंदु पर है। फोर्ब्स के अनुसार timeanddate.com पर एस्ट्रोफिजिस्ट और साइंस कम्युनिकेटर ग्राहम जोन्स ने इस सप्ताह के अंत में अमावस्या के दिन होने वाले इस विशिष्ट संयोग के बारे में बताया। जोन्स ने 2000 वर्षों की अवधि में अमावस्या पर पृथ्वी चंद्रमा की निकटतम दूरी को देखा। उन्होंने 3 नए चंद्रमाओं की खोज की जहां दूरी 356,570 किलोमीटर से कम थी। आउटलेट के अनुसार शनिवार का न्यू मून 1030 के बाद से निकटतम 1337 वर्षों की अवधि में निकटतम है। space.com के मुताबिक नासा से रिटायर्ड एस्ट्रोफिजिस्ट फ्रेड इंस्पेंक ने बताया कि इस साल हम कुल 4 सुपरमून देखेंगे, पहला जुलाई में, 2 अगस्त में और 1 सितंबर में। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हम आज सौर मंडल में होने जा रहे इस अद्वितीय चक्र को नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।